बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल कॉमर्स लाइफ। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ नहीं खुश रहें, हंसते मुस्कराते रहें। आज जो मैं आपके साथ डिज़ाइन शेयर कर रही हूँ, ये डिज़ाइन बहुत ही खूबसूरत है और ये डिज़ाइन आप अपने विंटर ड्रेसेस और समर ड्रेसेस दोनों में बना सकते हैं। आप इस डिज़ाइन को अपने प्लेन ड्रेस में भी बना सकते हैं, या जिस टाइप का ये हमारा एम्ब्रॉयडर्ड फैब्रिक है आप इसमें भी बना सकते हैं। थ्री पीस सूट का डिज़ाइन है जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। आप पिक्चर पे देख सकते होंगे कि डिज़ाइन कितना खूबसूरत लग रहा है, और आप भी इस तरीके के खूबसूरत खूबसूरत से डिज़ाइन बना के पहन सकते हैं, या अपने बच्चों को पहना सकते हैं, या किसी के लिए भी बना सकते हैं। डिज़ाइन को हमारे स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले आप देख सकते हैं हमारी जो ड्रेस की लुक है वो कुछ इस तरह की आ रही है। और इसके अलावा ये हमारा अगेन नेक है। नेक हमारा सिंपल राउंड नेक है जिसमें हमने ये लूप्स लगाए हैं, इस तरह के लूप्स जो जिसे डोरी पलट के लगाया जाता है, राउंड में ये लूप्स हैं। और नेक हमने और कुछ नहीं किया। इसके अलावा इसके स्लीव्स की तरफ आ जाते हैं, सिंपल इसके स्ट्रेट स्लीव्स हैं, और इसके आगे हमने जो है ये लूप्स लगाए हैं। और सिल्क फैब्रिक यूज़ किया है, सिल्क फैब्रिक के ऊपर हमने कुछ इस टाइप की तीन जो है वो प्लेट्स डाली हैं। प्लेट्स के आगे हमने लेस का यूज़ किया है, लेस हमने इसके फ्रंट पे लगाई है। और ये जो जिसके ऊपर हमने वर्क किया है, ये हमारा फैब्रिक जो है वो सिल्क फैब्रिक है। कंट्रास्ट कलर इन टाइप्स में मिलना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए हमने सिल्क फैब्रिक का यूज़ किया है, क्योंकि सिल्क में सेम कंट्रास्ट हमारा जो है वो मिल जाता है। इसके अलावा आप इस पर कॉटन या किसी और फैब्रिक के ऊपर भी इस टाइप का डिज़ाइन बना सकते हैं। दामन है, दामन के ऊपर हमने इस टाइप के जो है वो इसमें लूप्स लगाए हैं। लूप्स के नीचे हमारे इस टाइप की जो है वो प्लेट्स हैं। प्लेट्स डालने के बाद नीचे जो है वो हमने लेस यूज़ की है। और इसको मैं आपको पलट के दिखा दूँ तो बैक साइड पे जो है वो हमने इसके सिंपल जो है वो सिल्क ही बैक साइड पे हमने इसे पलट दी है। इसके अलावा आ जाते हैं हम इसके चॉक्स की तरफ, तो इस ड्रेस के चॉक्स के ऊपर सिंपल जो है वो हमने इस टाइप की बारीक वाली लेस यूज़ की है। लेस को हमने जो है वो फिनिशिंग पट्टी के साथ जो है वो अटैच किया है इस तरीके से। इसके अलावा नीचे देख सकते हैं जहाँ तक हमारा बॉर्डर है, हमने फिनिशिंग पट्टी का जो है वो तुरपाई के थ्रू जो है वो हमने इसे बंद किया है, ताकि हमारे बॉर्डर में जो है वो फिनिशिंग आए। इसके अलावा इसके चॉक्स जो हैं वो हमने सिंपल जो है फिनिशिंग पट्टी से स्टिच करके जो है वो ऐड कर दिए हैं। इसकी बैक साइड पे भी हमने इसी तरीके से चॉक्स पे जो है वो सेम लेस यूज़ की है, और दामन पे भी जिस तरह की फ्रंट दामन के ऊपर लेस है, सेम वैसे ही लेस हमने फ्रंट दामन के ऊपर भी यूज़ की है। बैक साइड पे हमने इसकी कोई डिज़ाइन नहीं दिया है, जस्ट हमने जो है वो चौड़ी और बारीक लेस यूज़ की है चौक और दामन के ऊपर। इसके अलावा इसके नीचे जो हमने इनर यूज़ किया है, इनर हमारा जो है वो मलाई फैब्रिक में है, जो नॉर्मल इनर का मलाई फैब्रिक मिलता है, सिंपल वही मलाई फैब्रिक जो है वो हमने इसके इनर के लिए यूज़ किया है। इसके अलावा दामन आप देख सकते हैं कितना गुड लुकिंग और खूबसूरत सा लग रहा है, मतलब सिंपल का सिंपल और बहुत ही यूनिक सा जो है वो डिज़ाइन है, जो पहनने के बाद बहुत ही खूबसूरत सी लुक दे रहा है। फुल लुक भी आप देखिए कुछ इस तरह की है। इसके अलावा इसका दुपट्टा जो है हमारे पास, दुपट्टे पे हमने इस टाइप की जो लेस है वो यूज़ की है, जो लेस हमने इसके चॉक्स पे यूज़ की है सेम वही लेस है जो हमने दुपट्टे पे यूज़ की है। दुपट्टे पे भी हमने जो है वो फिनिशिंग पट्टी दी है डार्क कलर की, और ये वही फिनिशिंग पट्टी है जो हमने इसकी शर्ट के चॉक्स और दामन पे भी दी है। और दुपट्टे की फोर साइड हमने यही लेस और फिनिशिंग पट्टी जो है वो यूज़ की है। आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत लग रहा है। ये क्रिंकल शेफोन का दुपट्टा है जिसको हमने टाई एंड डाई करवाया है, सेम हमने अपने ड्रेस के कलर्स दे के इस दुपट्टे को रेडी करवाया है। और आप फुल लुक देखें इसकी कितनी खूबसूरत लग रही है। इसके अलावा जो हमारे पास इसका जो ट्राउज़र है वो है शलवार, शलवार हमने जो है इस टाइप का सिलाई वाला पाइंचा जो है वो उसका बनाया है, सिंपल हमारा पाइंचा है शलवार है, इसलिए हमने इसके ऊपर कोई डिज़ाइनिंग नहीं की है। सिंपल हमने जो शलवार का बेल्ट होता है बेल्ट लगाया है। इसके अलावा राउंड में जिस तरीके से शलवार में इलास्टिक डल जाती है, उस टाइप की हमने जो है वो इसमें इलास्टिक डाल के शलवार को जस्ट इसी तरीके का सिंपल सा रेडी कर दिया है। अब मैं आपको इसकी फुल लुक दिखाऊं तो आप देखेंगे ये कितना खूबसूरत लग रहा है। थ्री पीस सूट है, जब ये जिनके भी साइज़ में मेजरमेंट है वो पहनेंगे तो कितना खूबसूरत सी ये लुक देगा पहनने के बाद। आप भी अपने ड्रेसेस को इस टाइप की खूबसूरत खूबसूरत से डिज़ाइनिंग करें, ताकि आपकी शख्सियत भी जो है वो बहुत खूबसूरत लगे। डिज़ाइनिंग आइडिया देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरे नए नए डिज़ाइन जो है वो आप लोगों को
डिज़ाइनिंग के अपडेट्स जो है वो मिलती रहें, ताकि आप लोग भी इस टाइप के अच्छे अच्छे से डिज़ाइन देखें, अपने ड्रेसेस को भी खूबसूरत से डिज़ाइन करवा सकें। वीडियो को मेरी अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में ज़रूर शेयर करिएगा, ताकि वो भी इसी टाइप की खूबसूरत से डिज़ाइनिंग आइडियाज़ लेके अपने ड्रेसेस जो है वो अपने बच्चों के ड्रेसेस बहुत ही खूबसूरत से स्टिच करवा सकें और उसे वेयर कर सकें। इसी तरह की और किसी बहुत अच्छी सी वीडियो के साथ आप लोगों के साथ हाजिर होंगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।